हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीबी एमयूबीएस नर्सिंग 2022 सेशन के बारे में। काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा था कि अभी ना केजीएमयू और एबीबी एमयू के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि देखो आपका ना जैसे कि देखो मतलब मेन हम चलते हैं लेकर उस चीज़ को। यहाँ पे जैसे आपने गूगल पे सर्च किया एबीबी एमयूबीएस नर्सिंग, तो यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं देन नीचे जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, मतलब एक बटन मिलता है ओबियसली एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए 2022 सेशन के लिए। ठीक है, ये एबीबी एमयू की साइट है, ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखो ये नोटिस है ना, ये नोटिस इसको ओपन करो। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसमें बोला गया है कि आपका जो भी केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपकी उसमें और आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है इसमें, इन दोनों में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, पहले क्या होता था 2021 तक अलग अलग होता था, लेकिन अभी दोनों में क्या होगा, सेम एग्ज़ाम होगा। मतलब कि आपका एक एंट्रेंस होगा बट इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस हैं उनमें, चाहे आपके किंग जॉर्ज केजीएमयू के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर आपका एबीवीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के हैं उसमें प्राइवेट गवर्नमेंट में आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि एक ही एंट्रेंस देना होगा, दो एंट्रेंस नहीं देने होंगे, दो फॉर्म नहीं फिल करने, सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये तो था इस बारे में। अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं, यहाँ देखो अगर आप बात करें फॉर्म की, जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 19 आपकी मई से शुरू हो गए थे, 15 जुलाई तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। आप फिल कर सकते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म, एक फॉर्म होगा दो यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स होगा। आपका रजिस्टर करना है तो क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे आपको अगर देखो फ्रेश आप रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ करोगे, अगर आपने पहले से मतलब कर रखा है लास्ट डेट दिया है बट हुआ नहीं तो लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, है ना। ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है, सबको पता ही होगी। वापस आते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ना पैटर्न के ऊपर डाउट है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न किस हिसाब से होगा, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो वो सारा भी इन लोगों ने ना मेंशन करके दिया हुआ है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये ब्राउशर दे रखा है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बेसिकली आपका ना बीएससी नर्सिंग का रिगार्डिंग ही बता रखा है। ये आपका जो प्रोस्पेक्टस मान सकते हो, इसको ब्राउचर बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, इसमें यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, एडमिट कार्ड 18 जुलाई को आ जाएगा, तो अराउंड ये है कि भैया जुलाई के एंड तक आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन के आपका सेंटर कहाँ है वो आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। रिजल्ट की डेट भी इन्होंने नहीं बताई अभी, रिजल्ट यहाँ पे वहीं 15-20 दिन के गैप में आराम से आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। अब यहाँ पे सारा है ना एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह देख लेते हैं कि किस तरीके से रहता है। यहाँ पे देखो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग, 4 साल का कोर्स होता है इसके एंट्रेंस के बारे में। डेट और टाइम की अगर बात करें तो अभी ऑब्वियसली डेट एग्ज़ाम के अनाउंस नहीं हुई है, टाइम भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन की जाएगी। अब यहाँ पे देखो सीट के रिगार्डिंग यहाँ बता रखा है कि भैया कौन कौन सा सीट मैट्रिक्स है आपका पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी के लिए, तो ये यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, तो यहाँ पे देखो एज लिमिट बता रखी है। भाई देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, जैसे एम्स है ना, एम्स में बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई मतलब कि आपको अपर एज लिमिट नहीं है। ओबियसली अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी डिफाइन कर रखी है 35 साल की है आपकी। ठीक है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबी के लिए, एससी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए, सबके लिए 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं वो 40 साल तक कर सकते हैं, मतलब इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओबियसली 45% होता है फॉर जनरल कैटेगरी, 40% एससी एसटी के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हो, नॉर्मल सी बात है। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे बता रखी है कि ओबीसी को कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी को कितना हो रहा है, ईडब्ल्यूएस को कितना हो रहा है, वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो आप चेक कर सकते हो। ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया भाई कि ओबीसी सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी जो एग्ज़ाम की डेट आएगी, यानी कि ये मान लो कि जुलाई सेशन के बैक में 6 महीने में कभी भी बना हो वैलिड होगा, उससे पहले का बना होगा तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी थी। एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग बताया हुआ है कि भाई आपकी कितने एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, तो वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3,000 लगेगी, एससी एसटी के लिए वो 2,000 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिएगा।
उसके बाद में फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आपको ये ऑब्वियसली यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है कि भैया एडमिट कार्ड में आपका 18 जुलाई डेट है कि 18 जुलाई को आ जाएगा, 15 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, और 18 जुलाई को रिजल्ट भी आ जा नहीं वो एडमिट कार्ड आ जाएगा ना। ओके, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मार्क्स अगर बात करें तो एक सिंगल मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन है उसके लिए एक मार्क मिलेगा। गलत क्वेश्चन है तो कोई यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बढ़िया बेनिफिट इस चीज़ का यही है, तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को दीजिएगा जिनका एम्स का अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। बाकी देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भैया कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो 200 में से आपका 50-50 रहता है, 50 आपकी बायो में, 50 आपकी बॉटनी के, 50 जूलॉजी के, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, इस तरीके का कुछ बच्चे ना अज्यूम कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ना जीके और इंग्लिश सेक्शन भी रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सिलेबस मेंशन किया गया है, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा 20%, फिजिक्स आएगी 20%, केमिस्ट्री आएगी 20%, बायोलॉजी आएगी 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आएगी 20%, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 आपके बॉटनी से हो गए, 50 जूलॉजी से हो गए, 50 आपके फिजिक्स से, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पीसीबी पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर किस चीज़ पे करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सेम वेटेज है यहाँ पे ना, ऑलमोस्ट सबका सेम वेटेज है, तो सबको आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग देखो मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, एक सेकेंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे आपको वेरियस स्टूडेंट के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, हम 2021 से बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, मतलब आपका एम्स हो गया, पीजीआई लखनऊ हो गया, रोहतक हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सभी एंट्रेंस एग्जाम जो भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल करोगे ओबियसली तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ मिलेंगे, आप उनको एक बार चेकआउट कर सकते हो। आपका बहुत मतलब ये चीज़ रहेगी कि आप अगर यहाँ से कर रहे हो प्रिपरेशन तो आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एक बार ना कनेक्ट करके ज़रूर देखना, और नहीं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो थोड़ा सा आपको मतलब होगा कि कहाँ से प्रिपेयर करें, और टाइम भी अभी बहुत कम है, राइट। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर रखे हैं फॉर पीसीबी, यहाँ पे देखो ये सेमीकंडक्टर का हो गया, एनएलएम का हो गया, केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट का हो गया, तो इसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा कॉल करने से पहले, ये आपका एज अ डेमो है। यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हो गया, तो इनको एक बार अटेंड करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए, ठीक है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है, वो आपको जो परफॉर्मेंस हमारी लास्ट ईयर की 2021 सेशन की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एक लिंक होगा परफॉर्मेंस करके, वो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी, उसको आप विजिट करिएगा, आपको पता चलेगा लास्ट टाइम हमने कहाँ का सिलेक्शन प्रोवाइड किए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।